जब मैं 7 साल बाद लंदन से वापस आया तो पैसों के मामले में मुझे बैंक जाना पड़ा। वहाँ की ब्रांच मैनेजर बहुत ही खूबसूरत लड़की थी जिसने मुझे अच्छे तरीके से डील किया। बैंक के काम से फ्री होकर जब मैं घर वापस आया तो मुझे उसी ब्रांच मैनेजर लड़की की कॉल आई। वो मुझे कहने लगी कि आप अपना शिनाख्ती कार्ड बैंक में ही भूल गए। तो मैंने उसे कहा कि मैं कल आकर बैंक से ले लूँगा, लेकिन वो शाम को हमारे घर आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ, बैंक से वापस घर आ रही थी तो सोचा कि मैं आपको आपका शिनाख्ती कार्ड वापस दे दी जाऊँ। हमारे घर में मेरे अलावा मेरे माँ बाप और एक छोटा भाई था। अम्मी ने उससे चाय का पूछा तो उसने हाँ कर दी। फिर उसने बैठकर हमारे साथ चाय पी और वापस अपने घर चली गई। वो मेरी अम्मी की काफ़ी अच्छी सहेली बन गई थी, इसीलिए वो रोज़ बैंक से वापसी पर हमारे घर से होकर अपने घर जाने लगी। मैं और वो रोज़ शाम को चाय पीते और खूब बातें करते थे। हम ना सिर्फ अच्छे दोस्त बन गए बल्कि वो हमारे घर का एक फर्द बन चुकी थी। फिर एक दिन उसे पता चला कि मैं लंदन वापस जा रहा हूँ तो वो मेरे कमरे में आकर रोने लगी और ये कहने लगी कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकती, इसीलिए रोज़ आपके घर आती हूँ, आप प्लीज़ मुझसे इतनी दूर मत जाएं। उसका इजहार मोहब्बत सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मगर इजहार करने से डरता था कि कहीं हमारी दोस्ती भी ख़त्म ना हो जाए। फिर मैंने उसे अपने गले लगाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया और ये वादा किया कि मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इस तरह मैं वापस लंदन नहीं गया। फिर हमारे घर वालों की मुलाकात के बाद हमारा रिश्ता पक्का हो गया। 15 दिन बाद हमारी शादी रख दी गई। हम दोनों ने अपनी शादी की सारी शॉपिंग एक साथ की। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली है। हमारी शादी के एक हफ्ता पहले उसकी बड़ी बहन की मौत हो गई। उनके घर में मातम सा छा गया। ऐसे हालात में हमारी शादी मुमकिन नहीं थी, इसीलिए हमारी शादी कुछ महीनों के लिए रोक दी गई। वो बहुत चुप रहने लगी थी, मुझसे बात तक नहीं करती थी। फिर एक दिन मुझे उसकी कॉल आई और वो रोते हुए मुझे कहने लगी कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अपने भैनोई से शादी करने जा रही हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मेरी बहन के बच्चे रुल जाएंगे। और फिर रोते हुए उसने कॉल बंद कर दी। उसकी शादी वाले दिन मैं लंदन वापस चला गया और अब 3 साल बाद वापस आया हूँ। मैं वापस पाकिस्तान आना नहीं चाहता था, लेकिन अम्मी की ज़िद की वजह से मैं वापस आया। सुना है कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, अल्लाह हमेशा उसे खुश ही रखे। मुझे नहीं पता कि उसने जो किया वो बेवफाई थी या वफा, मगर मैं आज भी उसे बेहद मोहब्बत करता हूँ और मैं उससे मोहब्बत अपनी आखिरी सांस तक करता रहूँगा।